शेरू आ देखो अभी कैसे भाग के आएगा, देखना तुरंत ही भाग के आएगा, क्योंकि वहाँ पर बंदर बैठा हो ना, वहाँ पर देखो दिख रहा है आपको बंदर, देखो है ये देखो, ओ देखो भाई बंदर, और देखो ओ देखो ओ देखो देखो कैसा है बंदर, शेरू आ शेरू आ शेरू ले भाई, ये हमारा शेरू, इसका इंट्रोडक्शन मैंने कभी नहीं कहा है, कभी भी नहीं। और ये यार भोटे कुत्ता है, काफ़ी छोटे से पाला है हमने काफ़ी ज़्यादा। अब मैंने जब भी अगर वीडियो बनाई नहीं इसके ऊपर, कभी भी नहीं बनाई वीडियो, तो मुझे एक भाई ने याद दिलवाए थे कि अपने, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अपने डॉग पे एक वीडियो बनाओ, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी पता काफ़ी, तो भाई ये भोटिया कुत्ता है और हमने काफ़ी बचपन से पाला है इसको, काफ़ी ज़्यादा छोटे से पाला है, बहुत बहुत शरारती है डॉगी, बहुत ज़्यादा। और पता है भोटे कुत्तों की खासियत क्या होती है, इन पे बड़े बड़े बाल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। और इसको लगभग यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और हम इसे ठंड के इलाके से लेके आए थे, लगभग हम चमोली से लेके आए थे इसे, तो इसे काफ़ी गर्म होता है हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा, और ये हमेशा बीमार ही रहता है, ज़्यादातर गर्मियों के टाइम पर बीमारी रहता है। शेरू बेटा शेरू शेरू इधर देखो, इधर देखो, हाय हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। तो अभी इसको नहलाऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद से नहलाऊंगा मैं। तो मुझे कमेंट आया था भाई का, एनिमल्स लवर है काफ़ी ज़्यादा, शायद से कि एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, तो उसने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि भाई अपने डॉग पे एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं अपने डॉग पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ये डॉगी लगभग काफ़ी दूर का है, हमारे गांव पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रुद्रप्रयाग, और मैं इसे लेके आया था छोटे से, काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, तो मैं इसे लेके आया था चमोली से, और वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, मतलब साइड पर काफ़ी ठंडे इलाके से लेके आया था इसको। तो ये काफ़ी बचपन में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है जगह पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो आज मैं इसे नहलाऊँगा और इसके बारे में कुछ बताए थे आज, भोटे कुत्तों के बारे में आज कुछ बताऊँगा, थोड़ी सी बात है जितना मुझे पता है। तो चलो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हिमांशु होता हूँ, वेलकम टू के ब्लॉगर। तो सब कैसे बढ़िया। तो भाई मैं पहाड़ी कुत्तों की बात करूँ, जो भोटिया, जिनको भोटिया नाम दिया जाता है पहाड़ी कुत्तों को, ये हर इलाके में मिलते हैं, लगभग ठंडे इलाके में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं भोटिया कुत्ता। और भोटिया कुत्ते जो जो चरैया होते हैं उनके पास होते हैं भोटिया कुत्ते, और काफ़ी बड़े होते हैं भोटिया कुत्ते, काफ़ी ज़्यादा बड़े, और वो ठंड के इलाके में पाए जाते हैं, लगभग काफ़ी दूर जैसे चमोली हो गया, चमोली के जितने भी क्षेत्र हैं ना वहाँ पाए जाते हैं भोटिया कुत्ते, क्योंकि चमोली में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है इसलिए। तो भाई इसे काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि ये ज़्यादातर धूप में नहीं, जैसे धूप लगी हुई है ना तो ज़्यादा ठंडी में रहता है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और मुझे इसे डेली नहलाना पड़ता है डेली। देख रहे कैसे हो गया, क्या हो गया बेटा, गर्मी हो रही, ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या हो गया। तो भाई इसे हम नहलाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नहाता नहीं है, पता है। आजा आजा चलो ऊपर उठो, उठो चलो चल चल, देखो नखरे कर रहा है, देख रहे हो नहाने के नखरे कर रहा है, देखो अच्छा ए उठ जा, चल चलो उठ जा, अबे उठे चलो बेटा, चल चला उठेंगे, चल नहाएंगे, चलो चलो। ये उठता नहीं ऐसा, पता तुम इसे उठाना, चलो अंदर चलो, ऐसे मत देख, चल ऐसे मत देख, अबे कहाँ भाग रहा है, नहाएगा नहीं है, चलो नहा, चलो 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 देखो, समझ गया हो कि नहलाने वाला है मेरे को, तो इसको भाई नहलाते थोड़ा, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, और अब पता है आपको कुत्तों को तो नहाना वैसे पसंद नहीं है, तो नहलाना पड़ता है ज़बरदस्ती इसको, हमारा फैमिली का मेम्बर है तो इसको उतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना हम अपनी केयर करते ना, वैसे इसकी भी केयर करनी पड़ती है हमें, तो इसको नहलाते हैं थोड़ा। शेरू
तो भाई से नला दिया हमने, अब ये जाएगा बाहर सीधा। चलो बेटा बाहर, चलो 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 चलो। ये देखो तुम। अच्छा यार इतना गर्म होता है कि अब आप ये लगा लो कि यार उत्तराखंड में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबको डॉग्स काफ़ी पसंद, काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं उत्तराखंड वालों के। और तुम्हें हर घर में एक डॉग ज़रूर मिलेगा, एक कुत्ता ज़रूर मिलेगा। और वो उत्तराखंड के अंदर एक चीज़ और, एक और चीज़ है, उत्तराखंड वाले अपने डॉग को अपनी फैमिली जैसे पालते हैं हर कोई। तो ये नहा गया आज, तो आज मेरा यही काम था उसको नहलाने का। वैसे मैं इसे डेली नहलाता हूँ, मगर आज किसी भाई ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि अपने डॉग के बारे में कुछ थोड़ा सी बातें बताओ, तो मैं आज इसलिए ब्लॉग बना रहा था इस चीज़ के लिए। तो चलो फिर, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।